बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। नवगछिया में आपसी रंजिश में तेजाब पिलाकर रिक्शा चालक की हत्या। नवगछिया शहर के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय रिक्शा चालक सुनील कुमार दास का शव मखातकिया स्थित नवगछिया नगर पंचायत कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर एक पोखर से बरामद किया गया है। सुनील के आंख, नाक और मुंह पर खून के निशान है तो पूरा चेहरा बुरी तरह से चोटिल है, पूरा शरीर सूज गया है। घटनास्थल के पास ही कुछ शराब की बोतलों को पुलिस ने बरामद किया है। परिजनों का आरोप है कि सुनील की हत्या तेजाब पिलाकर कर दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नवगछिया पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया, जहां दोपहर बाद तक पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर मृतक के परिजनों को सौंप दिया था। वहीं मामले में मृतक के भाई प्रमोद दास के बयान पर चार पड़ोसियों उपेंद्र दास के तीनों पुत्रों प्रदीप दास, रवि दास, गोविंद दास और एक अन्य पवन दास को नामजद करते हुए नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज है। वहीं पूछे जाने पर नवगछिया के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अमर विश्वास ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, छानबीन की जा रही है, जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मारपीट जब हुआ था क्या बोला था? बोला क्या, अभी तो कपाड़े न भोंगे हैं, जाओ केस कर देना थाना में। और उस दिन पुलिस भी गाड़ी थी वहाँ पे, ठीक है, पुलिस भी नहीं लिए। तक ये आदमी घर पे मौजूद था। उसके बाद जो गायब हो गया है, हमको सुबह मिला है, वो भी मरा हुआ, जिंदा नहीं। सुबह हम खोजे हैं सर, तो आप लोग को इंक्वायरी किए तो आप लोग आए। क्या नाम था उनका? सुनील कुमार, सुनील दास। कैसे, क्या लगता है कैसे घटना हुई? मेरा भाई है वो, घटना क्या तो दुश्मन ही किया होगा ना, दूसरा कोई थोड़ी कर लेगा। हम लोग मजदूर क्लास का आदमी है, 10 रुपया कमाने वाला रिक्शा चला रहा है, उसको 10,000 आपके पास है तो क्या गोली मरवा देगा वो किसी को भी? चीज है, कहाँ लॉटरी टिकट बिक रहा है? ये बिक रहा है लोग, अच्छा मार्केट में कम से कम रखिए तो अब 1,000 आदमी टिकट बेचा जाता है। और ऐसे भी पहले भी मर्डर हुआ है, आज 2 साल पहले एक मुस्लिम का मर्डर हुआ था, उसके 1 साल के बाद फिर एक हरिजन का मर्डर हुआ रेलवे में। ये लॉटरी के टिकट के ही चलते से ऐसा घटना हो रहा है, और उसका कमाई है। कल कितने बजे लड़का वो घर से बाहर निकला था? कल जो है 12 बजे से लाल पता है। उसके बाद कहाँ लाश मिला उसका? उसका लाश मिला मक्का तक जाकर, थोड़ा सा पानी है उसी गड्ढे में इसको फेंका गया था। और इन लोगों को मारा जो है, ये लोगों को प्लान है, मारने वाले का पूरा प्लान है। उसका बच्चा है उपेंद्र दास का, भोला दास का लड़का है, दशरथ दास का लड़का है। ये सारे लोगों ने पहले से भी, आज खानदान से ही झगड़ा चल रहा है जमीन के बारे में, और ये घटना हमारे बच्चे के साथ किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश दास है। कौन है आप उनके? मैं उनका बड़े बाप हूँ। कुछ हम 12 बजे आएंगे, अब क्या करना है जो बोले जाए। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में व्यापक पैमाने पर अनियमितता उजागर। जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष जदयू जिलाध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का बुरा हाल है। शुक्रवार की सुबह जिला 20 सूत्री कमेटी के उपाध्यक्ष जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जहां औचक निरीक्षण के क्रम में व्यापक रूप से अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। प्रसव कराने आई मखातकिया की गुड़िया देवी से खुशबक्ति के नाम पर 300 रुपए और लेबर रूम में वार्ड से बेड तक पहुंचाने के लिए 100 रुपए की वसूली करने की बात सामने आई। नाश्ते में नियमतः अंडा गायब था, जबकि 200 ml दूध की जगह महज 50 ml दूध और 6 ब्रेड की जगह महज 2 ही ब्रेड दिए गए थे। 12 बजने को थे, लेकिन किसी भी मरीज को खाना नहीं खिलाया गया था, जबकि दिन का खाना देने का समय 11 से 12 बजे
के बीच निर्धारित है। अस्पताल में बेड की उपलब्धता होने के बावजूद एक प्रसूता को फर्श पर ही लिटाया गया था। जब निरीक्षण के क्रम में वीरेंद्र कुमार सिंह ने फर्श पर लिटाए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया तो तुरंत बेड मंगवाया गया और प्रसूता को मुहैया कराया गया। गर्मी और उमस रहने के बावजूद वार्ड में कई पंखे खराब थे। निरीक्षण के क्रम में यह बात भी सामने आई कि मरीजों को उपयोग किया हुआ बेड ही दिया जाता है जो गंदा था और उससे बदबू भी आ रही थी। दूसरी तरफ किसी भी मरीज को न तो मास्क दिया गया था न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा था। जदयू के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से रोगियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है लेकिन अस्पताल प्रबंधन राजनीति कर रहा है। सरकार को बदनाम करने के लिए अस्पताल में अवैध वसूली कराई जा रही है और व्यवस्था को जानबूझकर लचर और घटिया बना दिया गया है। यह बर्दाश्त के बाहर है। सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। कुछ सुरक्षा गार्ड द्वारा मरीजों से अभद्र व्यवहार करने की शिकायत आई थी जिस पर श्री सिंह ने सुरक्षा गार्डों को फटकार भी लगाया। निरीक्षण के क्रम में ही श्री सिंह ने अस्पताल प्रबंधक को फोन किया तो उनके तरफ से किसी प्रकार का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जबकि अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर ए के सिन्हा ने कहा कि जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और हर हालत अस्पताल की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। हम आशा है और पार्टी का है, अपना नीतीश कुमार का हम लोग पार्टी है। क्या विवाद हो, कहाँ है? ऐसा नहीं सब होता है। ये तो अनुमंडल का एक काम लगा हुआ रहता है, जितना जाता है देख देख के जाता। कौन मैडम ली है 300 रुपया? सुबह डिलीवरी हुआ था उनके साथ, उसके पास में। क्या बोल के ली? बोली कि खुशखबरी है। खुशखबरी है इसलिए 300 रुपया दो, आप देना चाह रहे थे? क्या करेंगे सर, हाँ मांगते हैं तो दे देते हैं। मांगते नहीं है, आपकी मतलब मांगना उनका काम है, आप देना चाह रहे थी? नहीं तो नाजायज है, 300 रुपया भी लेना नाजायज है ना? लेना तो एक पैसा नहीं है और आप लोगों को जो है वो पैसा सरकार देती है, सरकार पैसा आपको देती है तो पैसा फिर स्टाफ क्यों लेगी? कौन ली है, कौन मैडम ली है पता है? नाम नहीं पता आपको? है नहीं 300, उससे पहले भी लगा था क्या? बेड पर से उतारने का, यहाँ लाने का 300 रुपया। बेड पर से उतार के लाने का भी 100 रुपया? यहाँ पे बेड पर से लाके यहाँ पर सिलाया, 300 रुपया। 100 रुपया लेके 300 रुपया वहाँ मैडम की डिलीवरी तो 400 हो गया टोटल, 400 हुआ। और कौन पैसा लिया है? यानी उस बेड से जो लेबर रूम से जो आपको यहाँ लाया उसका 100 रुपया लिया और 300 रुपया ये बोल के लिया खुशबख्ती दो। कौन बेटा हुआ या बेटी? बेटा हुआ है, इसलिए आप खुशी से दिए या देना नहीं चाह रहे थे? आप दे दिए सब खुशी से, सबका खुशी होता, मांग रहा था तो दे, मांग रहा है इसलिए दे दिया। आप आपका क्या नाम हुआ? गुड़िया कुमार। घर? मक्खा। क्या नाम बताएं? गुड़िया कुमार जी। अच्छा क्या आपका क्या कितना पैसा लिया आपसे? कहाँ है आपका गार्जियन? घर पे खाना खाने गया। फोन से पूछिए ना कितना पैसा लगा, थोड़ा पूछ के बताइए तो। अच्छा चलिए छोड़िए। नवगछिया NH31 से मक्का लदा ट्रक हुआ गायब, व्यवसायी परेशान। नवगछिया NH31 टोल प्लाजा के पास मक्का लदा ट्रक गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत पीड़ित अपने शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर लगा रहे हैं। बेगूसराय निवासी पीड़ित व्यवसायी राहुल राज ने बताया कि नौगछिया के मिथिलेश कुमार द्वारा 7 तारीख को ट्रक UP54D3969 जो न्यू भारत ट्रांसपोर्ट एजेंसी से लेकर उसमें मकई लदा कर ट्रक करीब 25,470 किलो जिसका अनुमानित राशि 3 लाख रुपए बताई गई है। मक्का लदा ट्रक नौगछिया टोल पार करने के क्रम में ट्रक ड्राइवर से बात हुई, उसके अगले दिन ट्रक सहित मक्का का पता नहीं चल पाया है। वहीं मामले को लेकर नौगछिया थाने में आवेदन दिया गया लेकिन आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया। बेगूसराय में भी घटना जिस क्षेत्र में हुआ है पूरा नौगछिया जाने को कह दिया गया। अंत में वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर 4 दिन बाद आवेदन लेने की बात कही गई है लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। जी भी मेरे साथ है, ट्रांसपोर्टर भी है जिनसे हम गाड़ी लिए थे, सब कोई मेरे साथ है, सब कोई मिल के आया। इस पे आप पुलिस से कार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट?
अब ये तो पता चलेगा जब एप्लीकेशन लेंगे, मेरा एफआईआर दर्ज करेंगे तभी संतुष्टि मिलेगी। उस पर मेरा काफ़ी अमाउंट का माल लोड है। कितने दिन होगी घटना की? ये 7-8 तारीख का घटना है और तभी से कोई एक्शन नहीं, बस ये थाना से वो थाना, वो थाना से वो। क्या लोड था उसमें? मकई लोड था। कितने का? लगभग 3.5 लाख का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल राज। घर? घर बेगूसराय हुआ। मैं मकई खरीदा था मिथिलेश जी नवगछिया के एक व्यापारी है मकई के, उनसे। नवगछिया में पहले दिखाती थी सपने, अब खूनी हो गई है लॉटरी। सपने लेकर सिक्किम भूटान से बंगाल के रास्ते नवगछिया पहुंचने वाली लॉटरी यहां के लोगों को धनपति बनाने के सपने दिखाते दिखाते अब खूनी हो गई है। नवगछिया वासियों को इसका अंदाजा तब लगा जब पिछले वर्ष 2019 की 16 जून को मुमताज मोहल्ला निवासी मोहम्मद नियाज मंसूरी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया था। उस वक्त बात सामने आई थी कि नियाज को जैकपॉट लग गया था, लेकिन उसे काफी कम रकम दी गई। इस रकम पर भी लॉटरी के धंधेबाजों की नजर थी। जब नियाज ने धंधेबाज को रकम देने से इनकार कर दिया था तो उसकी हत्या कर दी गई थी। नियाज की हत्या के बाद पता चला कि नवगछिया में मासिक रूप से लॉटरी का व्यापार 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। नियाज की हत्या के बाद कई बार लॉटरी के धंधेबाज को दबोचा गया, लाखों के टिकट भी जब्त किए गए, लेकिन फिर भी हसीन सपने देखने और दिखाने का खूनी खेल बदस्तूर जारी है। नवगछिया, भाजपा नेताओं ने मड़वा धाम में किया रुद्राभिषेक। बीरपुर विधानसभा के मड़वा गांव में स्थित बाबा ब्रजलेश्वर नाथ धाम में शुक्रवार को भाजपा नेताओं ने जग शांति एवं कोरोना से मुक्ति को लेकर भगवान भोले का रुद्राभिषेक किया। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य कुमकुम देवी, प्रोफेसर भोला कुंवर सहित कई अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549688888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170। नवगछिया में मास सिकिंग अभियान में 126 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई है। जांच अभियान में कुल 126 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 6300 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 10 वाहन से 10,000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। बुलबज्जा के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार को लेकर SDO को सौंपा ज्ञापन।
डोलभजा को प्रखंड बनाने के लिए वहां के संघर्ष समिति ने शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन नौगछिया SDO अखिलेश कुमार को दिया है। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कुमार रामानंद सागर, विनीतानंद, प्रशांत कुमार कन्हैया सहित कई अन्य ने SDO को आवेदन देते हुए कहा कि नौगछिया के कोसीपार डोलभजा को प्रखंड बनाने की मांग वहाँ के लोगों द्वारा लगातार 30 वर्षों से सरकार से कर रही है, लेकिन सरकार द्वारा इन मांगों को अनसुनी कर दी जा रही है। डोलभजा को प्रखंड बनाने को लेकर कोसीपार पंचायत की जनता द्वारा कई बार संबंधित विभाग को भी लिखित आवेदन दिया गया, फिर भी इस मांग को पूरी नहीं की जा रही है। इस मांग को पूरा कराने के लिए कोसीपार के लोगों ने एक संघर्ष समिति का भी गठन किया है। संघर्ष समिति के निर्णय अनुसार तीनों पंचायत ढोलबज्जा, कदवादियारा व खैरपुर कदवा के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। साथ ही सर्वसम्मति से एक नारा दिया है, कोसीपार प्रखंड नहीं तो वोट नहीं। नवगछिया में 5 लीटर देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। नवगछिया के ढोलबज्जा थाना पुलिस ने छापेमारी कर 5 लीटर देसी शराब के साथ ढोलबज्जा निवासी सनोज राय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नवगछिया वारंटी गिरफ्तार। नवगछिया के इस्माइलपुर पुलिस ने वारंटी को थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी बमबारी मंडल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में, संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773 9303-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।